गाइस, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घरों में डब्बे के अंदर बंद कर गंगा जल को रखा जाता है और हर पूजा वगैरह में इसका यूज भी किया जाता है। लेकिन इतने दिनों तक डब्बे में बंद रहने के बावजूद भी ये गंगा जल सड़ता नहीं है, आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल जो गंगा का पानी है वह हिमालय की गोद गंगोत्री से निकलकर धरती पर विशाल रूप धारण कर लेती है और इन बैक्टीरियाओं को मारने की जो शक्ति है वह भी शायद यह वहीं से लेकर आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय से उतरते वक्त कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों से मिलने से एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं और इसी की वजह से गंगा का पानी इतना साफ रहता है। पर्यावरण विज्ञान से रिटायर प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव जी ने गंगा जल पर एक बहुत बड़ा शोध किया है। इनके अनुसार नदी की तलहटी से ही गंगा जल को साफ करने का विश्लेषण मिल जाता है, साथ ही यह वातावरण से ऑक्सीजन को सोखने की भी जबरदस्त क्षमता रखती है। इनका मानना है कि बाकी नदियों से भी ज्यादा गंगा नदी कचड़े को साफ करती है, जो कि 5 से 20% तक ज्यादा है। गंगा नदी 1 किलोमीटर में जितना कचरा साफ कर देती है उतना कचरे को साफ करने में बाकी नदियों को 20 किलोमीटर लग जाते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेजेबल वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के कमाल के फैक्ट वाले वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।